अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पांच दरियाओं की जमीन यानी पंजाब के उस बहादुर सपूत फुलादी जिस्म वाले उस बेटे के साथ जिसका नाम है अरशद तारड़। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गाँव बारी तारड़ा से इसका ताल्लुक है। तारड़ जट होते हैं और ऐसे जट जो के दो ट्रैक्टर्स को रिवर्स गियर लगाया जाता है तो इनके पाँव मट्टी नहीं छोड़ते बल्कि जो टायर हैं वो घूमता 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 इनको धकेलने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसके साथ साथ एक बड़ा ट्रैक्टर जिसको ये एक तकिया अपनी कमर के साथ रखकर उसको भी रिवर्स नहीं आने देते। वो तमाम ड्राइवर्स हजरात बखूबी जानते हैं जो ट्रैक्टर चलाते हैं कि उसका रिवर्स गियर इंतहाई पावरफुल होता है, उसको रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। ये तमाम अमूर किस तरीके से सरंजाम देते हैं उसको भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी दाएं टांग के नीचे सात हॉरिजेंटल ईंटे रखकर और बाएं टांग के नीचे सात हॉरिजेंटल ईंटे रखकर तीन तीन वर्टिकल ईंटे अपने दाएं और बाएं बाजुओं के नीचे रखकर अपने दांतों की मदद से छह ईंटों को ना सिर्फ खींचते हैं पुशअप्स लगाते हैं और अपने बैलेंस को भी बरकरार रखते हैं। मजाल है कि एक भी ईंट अपने सेंटर पॉइंट से इधर उधर हो और ये अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाए। ये एक हाथ से पुशअप लगाते हैं और अपने जिस्म पर दो से तीन लोगों को भी बैक पर चढ़ा लेते हैं। जिस तरीके से मैं और एक इनके दोस्त जो हैं जिनका काफी अच्छा वजन भी है इनकी पुश्त पर खड़े हैं और ये एक बाजू की मदद से पुशअप्स लगा रहे हैं। अगर मैं इनकी खुराक की बात करूं तो ये दूध दही मुरब्बे देसी घी अंडे देसी असील लड़ने वाला कुकड़ खाते हैं और दूध पीने का जो इनका तरीका है वो इंतहाई नायाब है। ये डायरेक्ट भैंस का जिसको पंजाबी में थन कहा जाता है उसको डायरेक्टली अपने मुंह में लेते हैं और एक टाइम में 3 लीटर दूध पीते हैं और इस तरह से इनका दूध पीने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि दूध को हवा ना लगे और उसमें जितनी भी ताकत है उस सारी ताकत को ये अपने जिस्म में जज्ब कर सके। ये कोई प्रोफेशनल स्टंटमैन नहीं है। आप इनकी बॉडी पर देखें जो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बांधे हुए हैं वो किसी से साफा लिया हुआ है किसी की चादर ली हुई है किसी की पगड़ी ली है और उसको बांधकर एक तकिया जिसको ये डेरे पर लेकर सोते हैं उसी को अपनी बैग पर रखकर दो दो एक एक ट्रैक्टर्स को किस तरीके से रोक रहे हैं अपनी मिसाल आप हैं। जट साहब आप दो दो ट्रैक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक तकिया अपनी बैग पर रखकर रीढ़ की हड्डी पर रखकर रोकते हैं इससे आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती। गल को नहीं जान एक है जी रब ने लैनी है वीरियो मैं वेख्या सी भाई इंडिया दे काफी मुंडे एक ट्रैक्टर रोक दिया मैंने भी काफी लड़कियां ने देखे एक ट्रैक्टर रोक दे हुए मैं क्या भाई जवानी एक बारी आनी है बार बार नहीं भाई रोज नहीं मावा पुत जमदियां तकड़े भाई दो ट्रैक्टर रोक के मैं रिकॉर्ड बनाया था एदी दक बंडी बावल दीन तो लैके लाहौर तक लाहौर तो लैके भाई दिल्ली तक पैनी चाहिए है भाई पता लगे किसी जट ने कोई रिकॉर्ड कढ़िया। जट साहब तुसी तारड़ो? हाँ जी तारड़ बरादरी नाल अपना तलक है जी ते पूरे पिंड च तुहाडी ते बड़ी धूम है हर बाबा बच्चा बुजुर्ग जवान बुढ़िया बंदे ताड़ियां मारदे रहे जदों तुसी आ ट्रैक्टर रोकदे तो दो दो ट्रैक्टर रोकना ते इक अपनी आप च इक रिकॉर्ड है। ट्रैक्टर रोकया फिर भी भाई लोग मैंने इस काबिल समझदे आ फोन करदे आ भाई आपां तेरे फैन आ भाई उन्हां वीरां दा धन्नवाद है जिहड़े मैनूं इस काबिल समझदे आ तां हुण दो रोकया सारिआं नूं लाइव दिखाया आपां भाई कोई टिकटॉक फेसबुक दे तां स्टार हैगे नहीं आपां जो करना भाई सब दे सामने लाइव करना ते पूरा पाकिस्तान की इंडिया भी साडे रिकॉर्ड खड़खड़ देखदा। 26 ईटां जिन्हां चो 20 ईटां सत सत तुहाडियां लत्तां ते ते तीन तीन ईटां तुहाडियां बाहां ते ने ते 6 ईटां तुसी दंदां नाल चक्की फिरदे हो दंद नहीं टुटदे ना तुसी आप डिगदे हो ना बैलेंस आउट हुंदा है ऐ किवें सारी तुसी ट्रेनिंग लई? ट्रेनिंग वीरे मैं खुद ही कीती है आप ही कीती है अपने भाई दिमाग नाल ही के आपां ऐ कम कर सकने आ लोग जेड़ा कम भाई बंदे कहंदे ने आ कम नहीं हुंदा कदे नहीं हो सकदा भाई ओ कम करन दा शौक है मैनूं क्यों नहीं हुंदा भाई।
चार चार वड्डे ट्रैक्टर ट्राली दे टायर अपने उत्ते रख के जिहड़े चार चार बंदे तुहाडी पुश दे उत्ते रखदे पए ने, फिर तुसीं पुशअप्स लांदे हो, डिप्सां लांदे हो, कदी डिगदे नहीं? ना ना भाई जी, अपने आप ते नहीं, रब ते माण है कि मैं जिन्ना भी वजन होवे मैं तो बाद चो वेख के खुद राणो ना भाई मैं इन्ना वजन चुकिया। खुराक की है थोड़ी? खुराक भाजी सुबह उठ के मैं 1 किलो दही दे नाल 1 दर्जन केला खा के ट्रेनिंग लाउना, उहदे तो बाद फिर देसी घी दी रोटी हुंदी है, जिहड़ा देसी घी खा सकां भाई कोई रोकदा नहीं घर विच, ते कहिंदे ने पुत्तर खा जिन्ना मर्जी है। डायरेक्ट थणा नूं मूंह ला के दुध पींदे, उहदी वजह की है? उहदी वजह इही है भाई, जिहड़ी वी प्रोटीन है भाई साइड जिहड़ी है हवा ना लगे भाई, तुहानूं पता है मझां जिथे बज्जियां हुंदियां उह थां वी थोड़ी जिही मैली हुंदी है, ते उहदे नाल फिर थण धो के तो मूंह च पा के मैं पी जांदा, पूरी मझ खोल जांदा। ते इह ट्रैक्टर ट्राली जिस दिन कोई बैलेंस इधर उधर आउट हो गया तुहाडी ते रीढ़ दी हड्डी भी टुट सकदी, हड्डियां इन्नियां मजबूत हन दा की राज है? दुध जिहड़ा उहदे विच कैल्शियम हुंदी है बहुत ज्यादा, ते कैल्शियम जिहड़ी आ उह हड्डियां नूं मजबूत रखदी है, इस तों मैं दुध बहुत ज्यादा पीना, दिन दे विच मैं पानी दा घट ते दुध दा ज्यादा इस्तेमाल करना। इन्होंने 3 राड लगाकर अपने डेरे पर ही एक जिम नुमा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस पर ये चिन अप करते हैं, और बॉडी इनकी इंतहाई खूबसूरत है और ये सॉलिड बॉडी है, किसी भी किस्म के इन्होंने सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए, ये जट हैं, तारड़ हैं और पंजाब 5 दरियाओं की जमीन के बहादुर फुलादी सपूत हैं। कोई पैगाम देना चाहो तो दे सकते हो? अपने पाकिस्तान के जिन्हें भी नौजवान ने उन्होंने मेरे वालों ये रिक्वेस्ट है कि वीरियो जेड़े वीर नशा करते ने भाई नशा छड़ो, अपने आप नू फिट रखो, दसो कि असी एक अच्छे और नेक मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी हाँ। जिन्हें भी वीर ने साडे शहरां दे विच रहण वाले भी खुद घरे एक्सरसाइज करो, जिम चो जा सकते हो तो ठीक है जिम चो करो, अपने आप नू तकड़ा रख के अपने आप टैलेंट जेड़ा वो दिखाओ। खुराकां भी पूरियां मिलन ते फिर बंदा तारड़ बनदा है, अरशद तारड़ वर्गा जिंदा तालुक बारी ताड़ा जटा दा बहादुर सपूत है, तेरे जे पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई एवं तेनी चन ही रहा अल्लड़ कमली हुई। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है, हैरतंगी स्टोरी है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।